नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 26 फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है रविवार का है, शुभकृत नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, शिशिर ऋतु है, फाल्गुन महीना है, शुक्ल पक्ष की सातवीं तिथि है, नक्षत्र कृत्तिका है, योग इंद्र है, दिन का जो करण है वह ग्रह है और जो रात का करण है वह वनि है। आज का दिन का जो गुदिक काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 3:34 से लेकर 5:01 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:16 से लेकर 1:04 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा शाम 5:01 से लेकर 6:28 तक और यमकंड काल दोपहर 12:40 से लेकर 2:07 तक का होगा। राहु काल और यमकंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा या चंद्रमा मेष राशि में भ्रमण करेगा, सुबह 10:14 के बाद यह चंद्रमा वृषभ राशि में भ्रमण करने जा रहा है। उसी प्रकार यह चंद्रमा रवि शनि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। उसी प्रकार नेपच्यून के साथ लाभ योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके व्यय भाव में से नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। उसी प्रकार आपके लाभ भाव में से शनि के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है, लेकिन आपके मित्र परिवार में जो व्यक्ति आपके उम्र से थोड़ा बड़ा है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और सुबह 10:14 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में से नेपच्यून के साथ लाभ योग करने जा रहा है और आपके दशम भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफी अच्छा दिन है आपके लिए। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है, लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रेस या फिर टेंशन आज आज आप पर बना रहेगा, लेकिन ये बात सिर्फ आज तक ही सीमित रहेगी। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके लिए आज का जो दिन है वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:14 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके दशम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ लाभ योग करने जा रहा है और आपके भाग्य भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। थोड़ा सा आज का जो दिन है आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है, खास करके आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आप ही के भाग्य भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आज का जो दिन है आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे उनके साथ कुछ अच्छे तरीके से बीत सकता है। उसी पर मित्रों से मिलना जुलना होना, कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। स्वास्थ्य के बारे में छोटी मोटी बातें आज उभर कर सामने आ सकती है। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके अष्टम भाव में स्थित नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके सप्तम भाव में स्थित शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। आज का जो दिन है थोड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस टेंशन आ सकते हैं। उस प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके वैवाहिक सुख पर नहीं होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है
और सुबह 10:14 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके सप्तम भाव में से नेपच्यून के साथ लाभ योग करने जा रहा है और आपके षष्ठ भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। कुछ अच्छे नए विचार आज के दिन आपके मन में आ सकते हैं जो कि भविष्य में लेकर आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:14 के बाद यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में से नेपच्यून के साथ लाभ योग करने जा रहा है। उससे पहले आपके पंचम भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आज का जो दिन है थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दीजिए। दिवस आपके लिए जो है वो सामान्य ही साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके पंचम भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आज आपकी हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके पंचम भाव में से और आपके चतुर्थ भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है और आपके तृतीय भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो आज आपके सामने आ सकती है। उसी प्रकार आपके जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन बिल्कुल भी नहीं लेना। घर के जो लोग हैं उनके साथ आज आपके हारमोनी अच्छी देखी जाएगी, लेकिन आज के दिन डॉक्यूमेंटेशन की बातें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके तृतीय भाव में से नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा लाभ योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ आज आपकी हारमोनी काफी अच्छी देखी जाएगी। आज आपके जो खर्चे होंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अनवांटेड खर्चे आज के दिन होने की संभावना थोड़ी ज्यादा बन रही है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:14 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में से शनि के साथ लाभ योग करने जा रहा है और आपके राशि में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। घर के जो लोग हैं उनके साथ आज आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये थोड़ी बढ़ भी सकती है। पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम आज के दिन आपको नहीं आएंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुबह 10:14 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा आपके राशि में से नेपच्यून के साथ लाभ योग करने जा रहा है और आपके व्यय भाव में से शनि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज का जो दिन है आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने आ सकती है। आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था दिनांक 26 फरवरी 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।